हेलो गाइस, मेरा नाम है भगवान चौधरी और आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं एक्वी प्लस क्रीम के बारे में। गाइस, इस पर यूट्यूब पर काफी वीडियोस अवेलेबल है और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो तो 10 से 15 दिन में आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रखी है उनको जड़ से खत्म करता है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है या फिर आपका फेस बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है तो अगर आप इस क्रीम को यूज में लेते हो तो ये आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस रिपेयर करने के साथ आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देती है। तो गाइस, मैंने भी इस क्रीम को परचेज किया है और पिछले 25 डेज से कंटिन्यू यूज किया है। गाइस, मैंने इस सीरम को क्यों परचेस किया था, जैसे कि आप सभी को पता है मैंने कुछ दिन पहले एक सीरम यूज की थी जिसके कारण मेरे फेस पर कुछ साइड इफेक्ट और रिएक्शन हो गए थे। तब मुझे बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी और डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम भी हुई थी। देखिए गाइस, अब बहुत कुछ कम हो चुका है। तो गाइस, मैंने इस क्रीम को रेगुलरली यूज किया था 15 डेज और इसको यूज करने का मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं टोटली इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा यहाँ पर कंपनी के क्लेम्स, इसको आप किस किस पर्पज में यूज में ले सकते हो, किस टाइप यूज में ले सकते हो, कौन सा टाइम सही रहेगा, टोटली मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस क्रीम को परचेस करना चाहते हो या फिर आपके फेस पर बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो एक्वी प्लस जो क्रीम है ये स्पेशली फॉर एक्ने पिंपल्स के लिए और ब्लैकहेड्स के लिए यूज में ली जाती है। मैं बता दूं, ये एक्ने पिंपल्स तो वर्क करती है लेकिन बहुत ही ज्यादा लेट, क्योंकि गाइस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए वो सारे हर्बल मतलब कि नेचुरल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स डाले गए, जिसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। गाइस, आपने देखा होगा मेरे जो पिछले वाली वीडियो में बहुत ही ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर अब मुझे काफी कुछ कम हो चुकी है, 1 एंड 2 एंड 3 पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक्ने पिंपल्स पर वर्क नहीं करती, वर्क करती है लेकिन फास्ट नहीं करती, मतलब आज मुझे 15 दिन कंप्लीट, मतलब 5 दिन हो गए मैं इसको कंटिन्यू यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ दूसरी क्रीम यूज कर रहा हूं जिसके कारण मुझे और अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब कि एक्ने पिंपल्स पर वर्क तो करती है लेकिन बहुत ही ज्यादा लेट। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं एक्ने पिंपल्स के लिए यूज में करूंगा और 10 से 15 दिन में आपके पिंपल्स को रिमूव करेगा जड़ से, तो ऐसा कुछ नहीं। इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से लगभग आपको 1 या 2 या 3 महीने कंटिन्यू यूज करने के बाद मिलेगा। तो मैं इस क्रीम को आपको बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली फॉर एक्ने पिंपल्स के लिए। दूसरी बात, काफी वीडियोस में स्किन लाइटनिंग के बारे में बोला जा रहा, तो ये स्किन लाइटनिंग के लिए क्रीम बिल्कुल ही नहीं, ये आपकी स्किन के टेक्सचर को बिल्कुल ही इंप्रूव नहीं करने वाली। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक।